इधर जानकारों का मानना है कि रूस अमेरिका के बीच न्यूक्लियर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि निश्चित ही सैद्धांतिक तौर पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल संभव है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी साफ कहा कि युद्ध में रूस अब सभी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार है। आप रिपोर्ट देखिए। विश्व की राजनीति को समझने वाले, सामरिक मामलों के जानकार और यूरोप अमेरिका के देश चलाने वाले खुद ये मान रहे हैं कि अब न्यूक्लियर विनाश टाला नहीं जा सकता है। रूस अमेरिका के बीच न्यूक्लियर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इस युद्ध की चिंगारी या तो ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए विस्फोट से भड़क सकती है या बेलारूस की जमीन से किए गए टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक से। इस एक विस्फोट से ही रूस नेटो के बीच सीधी जंग शुरू हो जाएगी। रूस और नेटो के बीच न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करने वाली संधि स्टार्ट खत्म हो गई। हालांकि स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी के तहत दोनों देश 2200 न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर सकते हैं। जमीन, आसमान और समंदर में कुल मिलाकर दोनों देशों की न्यूक्लियर तैनाती का आंकड़ा 4400 ही माना जाता है। अगर यूरोप में पहला न्यूक्लियर विस्फोट होता है तो इस सूरत में दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाएगी। हालात वैसे होंगे जैसे 10 दिसंबर 2022 को पुतिन ने बताए थे। अर्ली वार्निंग सिस्टम को मिसाइल हमले के बारे में प्रारंभिक चेतावनी मिलने के बाद हमारी तरफ से सैकड़ों मिसाइलें हवा होंगी जिन्हें रोकना नामुमकिन है। अगर रूस और अमेरिका ने एक दूसरे पर न्यूक्लियर हथियारों की बारिश शुरू कर दी तो पूरी धरती पर बरसों तक विनाश का डेरा होगा। अगर रूस और नेटो के बीच यूरोप में मिसाइल बारिश शुरू हुई तो धमाके और रेडिएशन से 2,70,00,000 लोगों की मौत हो जाएगी। यूरोप के सभी देश रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे। बरसों तक इन देशों में जनजीवन की गुंजाइश नहीं होगी। अगर धरती पर 4,400 परमाणु बम एक साथ चले तो विनाश सिर्फ उसी क्षण नहीं होगा बल्कि लंबे समय तक धरती को इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा। धरती तक धूप नहीं पहुंचेगी, तापमान घटना शुरू हो जाएगा। तापमान -3 से लेकर -8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। धरती पर हिमयुग की शुरुआत हो सकती है। समुद्री जीवन, खेती बाड़ी सब खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ अनुमान है, वो भी रूस और नेटो के बीच छिड़े न्यूक्लियर युद्ध को लेकर। अगर ये न्यूक्लियर वॉर वर्ल्ड वॉर में बदल गई तो विनाश कितना बड़ा होगा इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए रूस यूक्रेन युद्ध को धरती के अस्तित्व पर संकट कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।